अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है तज़किया नफ्स। ज़िंदगी ख्वाहिशात से इबारत है। ख्वाहिशात अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। बुरी ख्वाहिश का इस्तलाही नाम नफ्स अम्मारा है। गोया नफ्स अम्मारा वो ख्वाहिश होती है जो इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। ख्वाहिश अच्छी हो या बुरी, दिल में पैदा होती है, इसलिए नफ्स की जगह दिल है। दिल को काबू में रखने के लिए ज़रूरी है कि ख्वाहिशात को काबू में रखा जाए। ख्वाहिशात को काबू में रखने से दिल बेलगाम नहीं हो पाता। दिल की बेलगामी इंसान को ज़िल्लत और रुसवाई के घड़े में गिरा देती है। एक बुज़ुर्ग तरबूज के खेत के पास से गुज़रे, इनका दिल तरबूज खाने को ललचाया। बुज़ुर्ग ने दिल की आवाज़ पर कान न धरे, लेकिन जब दिल ने बार बार तकाजा किया और तरबूज खाने के लिए बहुत मचला, तो बुज़ुर्ग ने खेत से एक तरबूज तोड़ ही लिया। दूर बैठा खेत का मालिक ललकारा। बुज़ुर्ग अपनी इज्जत बचाने की खातिर सरपट दौड़ने लगा। आखिर मालिक ने जा लिया, तरबूज छीन लिया और बुज़ुर्ग की पिटाई की। मार भी पड़ी और रुसवाई भी हुई। मार खाने के बाद बुज़ुर्ग ने दिल से कहा, ले खा ले तरबूज। हजरात मोहतरम, देखा आपने दिल का कहा मानने का अंजाम। दिल वो नादान बच्चा है जिसे दुनिया की जो भी शय भा जाए इसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है। इसीलिए मुर्शिद का पहला कदम मुरीद के दिल की इस्लाह यानी तज़किया नफ्स है। तज़किया नफ्स से मुरीद का दिल दुनियावी गलाज़तों से पाक व साफ होकर शीशे की तरह चमक उठता है। दिल के आंगन में ईमान का नूर फैल जाता है। जब दिल रोशन हो जाता है तो मुरीद पर हर चीज़ रोशन हो जाती है। कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठने लगता है और मुरीद की काया ही पलट जाती है। ये है मुर्शिद का मुकाम और मुर्शिद की अहमियत। अब आइए दुरूद शरीफ की तरफ। दुरूद शरीफ एक मुर्शिद की तरह कलूब का तज़किया करता है। जब दिल में हिर्स, तमा, बोझ और कीना का जहर फैल जाता है तो दिल की रूहानियत मर जाती है और दिल मुकम्मल तौर पर दुनिया का होकर रह जाता है। दुनियावी ख्वाहिशात उसे हर वक्त घेरे रखती हैं। नतीजा ये होता है कि दिल पर आखरत से गफलत का जंग चढ़ जाता है। इस रंग को खुरचने के लिए किसी रहबर कामिल यानी मुर्शिद सादिक की ज़रूरत होती है। दरूद शरीफ को ये एज़ाज़ व इम्तियाज़ हासिल है कि ये मुर्शिद कामिल का काम करता है। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हर चीज़ के लिए तहारत और गुसल है और मोमिनों के दिलों के जंग की तहारत मुझ पर दरूद पाक पढ़ना है। साबित हुआ कि दरूद पाक का एक वस्फ ये भी है कि ये मुर्शिद कामिल की तरह कुलूब का तज़किया करता है। इसीलिए अक्सर मशाइख का फरमान है कि अगर किसी बंदे को बाशरियत मुर्शिद ना मिल सके तो उसे चाहिए कि वह दुरूद पाक को बाकायदगी और कसरत से पढ़ा करे। इससे उसके बातिन में नूर पैदा होगा, यानी कल्ब की सफाई होकर उसे बातनी रोशनी मिलेगी जो मुर्शिद कामिल का काम देगी। इस बातनी सफाई की तस्दीक हदीस पाक से भी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है और तुम्हारे बातिन की तहारत है। दुरूद पाक सिर्फ बातिन की सफाई तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये हर तरह की ज़ाहरी सफाई और जानी व माली पाकीज़गी भी अता करता है। इस बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक हैं, हर तरह की ज़ाहरी और बातनी जानी व माली पाकीज़गी दुरूद पाक के ज़रिए हासिल होती है। बस दुरूद पाक में मुर्शिद कामिल की तरह रूहानी कुव्वत और शफकत है। ये इतना बयान हमारा तज़किया नफ्स के बारे में आज का था। बाकी का बयान कल अपलोड किया जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।